भारत के पूर्व राष्ट्रपति फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। ये एक बार मनोनीत हुए और एक बार निर्वाचित हुए। नंबर टू डॉक्टर राधाकृष्ण 1962 से 1967 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये पहले दो बार उपराष्ट्रपति बनी और एक बार राष्ट्रपति बनी। नंबर तीन डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्य राष्ट्रपति रहे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई, जिसके कारण राष्ट्रपति का पद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने संभाला। नंबर फोर बीबी गिरी 1969 से 1974 तक देश के राष्ट्रपति रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इनके निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना की गई। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु भी इनके कार्यकाल के दौरान हुई। इनका पद मुख्य न्यायाधीश बीडी जत्ता ने संभाला था। नंबर छः नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हारे और बाद में निर्विरोध चुने गए। नंबर सेवन ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। नंबर एट आर के वेंकटरमन 1987 से 1992 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायण 1997 से 2002 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक देश की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति रही। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के प्रधान राष्ट्रपति रहे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नंबर 14 रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। फर्स्ट पॉइंट, भारत की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, भारत की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। सेकेंड पॉइंट, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। थर्ड पॉइंट, भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और नेक्स्ट पॉइंट, भारत राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 58 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 58 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति 14 व्यक्तियों को
करता है जिसमें दो लोकसभा 12 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य पत्रकार कला साहित्य के क्षेत्र से होते हैं। निर्वाचन मंडल, यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि, यानी कि जिस डेट को पद ग्रहण करता है उससे लेकर 5 साल की अवधि तक पद पर रहता है। शपथ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। यदि किसी कारण के कारण मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है या अनुपस्थित नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। महाभियोग, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को महाभियोग के सूचना पत्र को दोनों सदनों में से किसी भी सदन के कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर किया जाता है। इसे सबसे पहले 14 दिन बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है, यानी मंथली इनकम 5 लाख रुपए होती है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर यानी टैक्स मुक्त होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक व नियंत्रक की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राजदूत तथा राजनायकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। पिछड़ा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद का नियामक राष्ट्रपति होता है। संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा शामिल होती है। संसद को भंग करने संबंधी अधिकार है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। अनुच्छेद 110 संसद में धन विधेयक पेश करने से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन स्तर में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती क्योंकि वो सदन में होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। सेनाओं की सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग विधि द्वारा किया जाता है। दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा अपराधी को उसके दोष के लिए दोषी ठहराए गए दंड को कम करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन
शक्तियाँ हमारे संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में निहित है। अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैनिक विद्रोह शामिल है। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। फर्स्ट पॉइंट, भारत की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, भारत की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। सेकेंड पॉइंट, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। थर्ड पॉइंट, भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और नेक्स्ट पॉइंट, भारत राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 58 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 58 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति 14 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, जिसमें 2 लोकसभा, 12 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य पत्रकार, कला, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं। निर्वाचन मंडल, यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि यानी जिस डेट को पद ग्रहण करता है उससे लेकर 5 साल की अवधि तक पद पर रहता है। शपथ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। यदि किसी कारण के कारण मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है या अनुपस्थित नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। महाभियोग, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को महाभियोग के सूचना पत्र को दोनों सदनों में से किसी भी सदन के कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर किया जाता है। इसे सबसे पहले 14 दिन बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है, यानी मंथली इनकम 5 लाख रुपए होती है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर यानी टैक्स मुक्त होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां तय करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक व नियंत्रक की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राजदूत तथा राजनायकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
पिछड़ा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद का नियामक राष्ट्रपति होता है। संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा शामिल होती है। आदि संसद को भंग करने संबंधी अधिकार है। दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। अनुच्छेद 110 संसद में धन विधेयक पेश करने से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन स्तर में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती क्योंकि वो सदन में होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। सेनाओं की सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग विधि द्वारा किया जाता है। दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा अपराधी को उसके दोष के लिए दोषी ठहराए गए दंड को कम करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमारे संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में निहित है। अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैनिक विद्रोह शामिल है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। 1962 से 1967 चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण होता है। नंबर 3 1975 से 1977 पंजाब में धार्मिक और चरमपंथियों की खालिस्तान की मांग से राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20-21 जीने का अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कहलाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट पर कम से कम 6 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा की शक्ति समाप्त कर दी जाती है। मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया जाता है। उस राज्य का शासन राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। उस राज्य के सभी फैसले राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा लिए जाते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 से 1952 में पंजाब में लगाया गया। सबसे ज़्यादा समय के लिए जम्मू कश्मीर में 1990 से 1996 तक लगाया गया। अनुच्छेद 307 केंद्र सरकार को लग रहा है कि वित्तीय संकट पैदा होने वाला है तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे।
सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। ये एक बार मनोनीत हुए और एक बार निर्वाचित हुए। नंबर टू, डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये पहले दो बार उपराष्ट्रपति बनी और एक बार राष्ट्रपति बनी। नंबर तीन, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्य राष्ट्रपति रहे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई, जिसके कारण राष्ट्रपति का पद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने संभाला। नंबर फोर, वीवी गिरी 1969 से 1974 तक देश के राष्ट्रपति रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इनके निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना की गई। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु भी इनके कार्यकाल के दौरान हुई। इनका पद मुख्य न्यायाधीश बीडी जत्ता ने संभाला था। नंबर छः, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हारे और बाद में निर्विरोध चुने गए। नंबर सेवन, ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। नंबर एट, आर के वेंकटरमन 1987 से 1992 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायण 1997 से 2002 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक देश की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति रही। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के प्रधान राष्ट्रपति रहे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नंबर 14, रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं।